सारा दिन हो गया दौड़ते दौड़ते। जा जाकर देखा एक बार, मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाते, देख कर क्या करूं। जिसके साथ साल भर सुख चैन से रहा हो उसी के साथ इतनी बेवफाई, तो हमसे उसका हाथ पटकना और तड़पना भी तो नहीं देखा जा रहा। चमारों का कुनबा था सारे गांव में बदनाम, घीसू एक दिन काम करता तो तीन दिन आराम, माधव इतना कमजोर था कि आध घंटे काम करता तो एक घंटे चिलम पीता। इसीलिए गांव में कोई भी इनको मजदूरी करने के लिए नहीं बुलाता। जब तक घर में अनाज मौजूद हो दोनों के लिए काम करने की कसम थी, जब घर में फाके पड़ने लगते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता। और जब तक दोनों के पास पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते, और जब फिर फाके पड़ने लगते तो फिर लकड़ियां तोड़ जाते या फिर मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी न थी, किसानों का गांव था और काम करने वाले आदमी के लिए तो 50 काम थे। मगर इन दोनों लोगों को लोग उसी वक्त बुलाते थे जब दो आदमियों में से एक का काम पाकर संतोष कर लेने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर दोनों साधु होते तो संतोष और धैर्य के लिए दोनों को संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत ना होती, ये तो उनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था इनका। घर में दो चार मिट्टी के बर्तनों के अलावा कोई संपत्ति नहीं, हटेहाल चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढके जिए जा रहे थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज के बोझ से लदे हुए, दीन इतने कि वसूली की बिल्कुल आशा ना होने पर भी लोग इन्हें कुछ ना कुछ कर्ज दे देते, गालियां खाते मार खाते लेकिन गम नहीं। मटर व आलू की फसल के दिनों में किसी के खेत से आलू या मटर खोद लाते रात को भूल कर खा लेते, या 10-5 ईख उखाड़ लाते और रात को चूस लेते। घीसू ने इसी आकाश वृत्ति में 60 साल की उम्र काट दी थी, और माधव भी सपूत की तरह बाप के ही पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि यूं कहिए बाप का नाम और उजागर कर रहा था। आज भी दोनों अलाव जलाकर आलू भूनकर खा रहे थे। घीसू की स्त्री का देहांत हुए बेहद दिन हो गए, माधव का ब्याह पिछले साल ही हुआ। जब से ये औरत इस घर में आई है इसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली है। पिसाई करके घास छील कर ये सेव भराटे का इंतजाम कर लेती और इन दोनों बेगैरतों का दूजक भरती थी।
जब से ये औरत आई है दोनों और भी आलसी और आराम तलब हो गए, बल्कि यूं कहें कि और भी अकलने लगे थे। अगर कोई काम करने के लिए बुलाता तो निर्व्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। आज वही औरत प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि कब वो मरे तो आराम से सोएं। जा जाकर देखा क्या दशा है उसकी। अरे चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या, यहाँ तो ओझा भी एक रुपया मांगता है। तो हमें जाते हुए डर लगता है। डर? अरे डर किस बात का है रे, मैं तो हूं यहाँ पर। अरे तो तू ही जाकर देख क्या ना। जब मरी थी तो 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था मैं, और फिर मुझे देख लेगी तो लजाएगी नहीं। इसका कभी मुंह नहीं देखा, उसका उजला हुआ बदन देखा। अरे मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। बाबा आए, अगर कोई बाल बच्चा हो गया तो गुड़ तेल कुछ नहीं है घर में। सब हो जाएगा रे, भगवान दे तो। जो लोग अभी पैसे नहीं दे रहे हैं वही कल बुला कर रुपया देंगे। हाँ मेरे 9 लड़के हुए और घर में कभी कुछ न था, भगवान ने सब बेड़ा पार लगाया। माधव ठाकुर की बारात बहुत याद आ रही है आज। 20 साल पहले गया था उसकी बारात में। इतना बढ़िया भोज था। उस भोज को करने के बाद जो मुझे तृप्ति मिली थी मेरे पूरे जीवन में अब तक सबसे ज्यादा याद रखने लायक बात है। ऐसा खाना भर पेट फिर कभी नहीं खाया। लड़की वालों ने सबको भर पेट पूड़ियां खिलाई, सबको छोटे बड़े सबने पूड़ियां खाई और वो भी असली देसी घी की। कितना बढ़िया भोज था। चटनी, 3 तरह के सूखे साग, 1 रसेदार तरकारी, अचार, रायता, मिठाई, दही। तुमको कहा बताएं उस भोज का स्वाद क्या था। अरे बेटा सबने खूब भर पेट खाना खाया, खूब इतना खाया कि किसी से पानी तक ना पिया गया। परोसने वाले थे कि बस परोसे ही चले जा रहे हैं, खाने वाले पत्तल पर हाथ से रुक गए हैं, नहीं चाहिए, पर देने वाले दिए ही चले जा रहे हैं। जब हाथ मुंह धो लिया तो पान और इलायची भी मिला, मगर हमको पान खाने की सुध कहां थी। हमसे तो उठा बिना जा रहा था तो हम हाथ मुंह धोकर झटपट अपने कंबल में जाकर लेट गए। बड़ा दिल दरिया वाला ठाकुर था वो। बाबा हाँ
अब ऐसा भोज हमें कोई क्यों नहीं खिलाता? अरे अब ऐसा भोज कोई हमें काहे खिलाएगा? वो जमाना दूसरा था, अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में खर्च मत करो, क्रियाकर्म में खर्च मत करो। अरे कोई जरा इनसे ये पूछे, ये गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे हैं? तब तो बटोरने में कोई कमी नहीं आती, बस खर्च में किफायत सूझती। तुमने 20 पूरियां तो खाई होंगी। 20? ना रे, 20 से तो ज्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता। 50 से कम तो हमने भी ना खाई होंगी। अच्छा पट्टा था मैं। Ah!
माँ को दफन होना था, उस नौजवान औलाद को मैं अपने हाथों से दफनाती हूँ। जो घटना हमारे जीवन में नहीं घटती उस पर यकीन नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसी घटना घटी ही नहीं। इस अजीबोगरीब घटना के बाद भी ये जगह इस जमीन का हिस्सा बनी रही और आज भी इंसानी बस्ती के कुछ बचे खुचे निशान इस बात की गवाही देते हैं, इस पूरी जगह में एक फलती फूलती सभ्यता थी। लेकिन उस दिन, जिस दिन बूढ़ी सलदत की इकलौती औलाद गुजरी, इस जगह की खुशहाली को नजर लग गई। जवान बेटा ही बूढ़ी सलदत का सहारा था, इकलौता कमाने वाला। दुख का ऐसा पहाड़ की सलदत दीवानी हो गई और उसके इकलौते बेटे को जब अंधेरी कब्र में लिटाया जा रहा था, खूब रोई सारों कतार। वो तो बस छाती पीटती और बार बार एक ही बात दोहराती जाती, जिस जवान बेटे के हाथ होना था, उस औलाद को मैं अपने हाथों से दफनाती हूँ। अल्लाह, बेटे की मौत से ज्यादा लोगों को सलदेत का गम था, अब उस खुदा के सिवाय उस बेचारी का किसी तरह पानी छिड़क कर उसे होश में लाया गया और वापस उसके घर पहुंचाया गया। पूरे दिन कस्बे वालों ने उसकी देखभाल की, किसी ने चाय पिलाई, किसी ने अपने घर से ला कर खाना खिलाया। सलदेत को थोड़ी तसल्ली मिल सके इसलिए कई सारे लोग देर शाम तक उसके पास वहीं बैठे रहे। इतना सब करने के बावजूद लोगों को अपने अपने काम अपनी उलझने थी, तो धीरे धीरे करके सब अपने अपने घर को लौट गए। लोगों के लौट जाने के बाद सलदत एक दीवानी चिड़िया की तरह एक खिड़की से दूसरी खिड़की पर लहराती फिरती रही, लेकिन बेचैन दिल को किसी भी किस्म में करार नहीं मिल रहा था, इसलिए वो घर से निकली और कब्रिस्तान की ओर चल पड़ी, ये सोचते हुए कि वो अपने बेटे की कब्र पर बैठकर खूब रोएगी, खूब चीखेगी, खूब चिल्लाएगी, ताकि उसका गम दूर हो सके, उसे राहत मिल सके। रात काफी हो गई थी और लोग अपने अपने घरों में सो चुके थे। अंधियारा इतना घना एक हाथ को दूसरे का पता भी नहीं चलता था। कब्रिस्तान सलदत के घर से दूर मोहल्ले के दूसरे छोर पर था और कब्रिस्तान की दूसरी तरफ सुरपुर नाम का एक मोहल्ला था और एक तरह से यही कब्रिस्तान इस जगह को सुरपुर से अलग करता था।
यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हों तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि उसके एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहें, और नदियां पर्वत शहर गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखें, अनमने रहें। यदि तुम ये नहीं मानते तो मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा और कुछ भी नहीं है, न ईश्वर न ज्ञान न चुनाव। कागज पर लिखी हुई कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है, और जमीन के सात परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक वो अंधा है, जो शासन चल रहा हो बंदूक की नली से वो हथियारों का धंधा है। यदि तुम ये नहीं मानते तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन किसी शासन का ही नहीं संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। और ऐसा खून बहकर धरती में जज्ब नहीं होता, आकाश में फहराते झंडों को काला करता है। Ah!
कब्र को किसने खोला और कफन कहाँ गया? ये तो किसी सियार या जंगली जानवर का काम है। कैसी बात करते हो? सियार या जंगली जानवर होता तो लाश को बाहर निकालता, उसे नोचता खाता, लेकिन ये तो वैसी की वैसी है जैसी लिटाई थी। सिर्फ कफन गायब है। कफन? शैतान का साया, उसी ने गायब किया है कफन को। शैतान का साया, बद्दुआ के मारे किसी बदनसीब ने कफन चुराया है। कफन चोर, चोर। उसे पकड़ कर उसके कफन को लेकर डालो। कफन चोर, कफन चोर। ये ख्याल आते ही लोगों की हथेलियों से पसीना बहने लगा। सबने एक दूसरे को हैरत से देखा, बेवकूफाना हैरत से। उस शख्स को हर हालत में पकड़ा जाना चाहिए। नहीं, सिर्फ पकड़े जाने से काम नहीं चलेगा। अरे मैं तो कहता हूँ जिंदा जला देना चाहिए। उसे काट कर उसकी बोटी बोटी चील कौओं को खिला देनी चाहिए। जिंदा ही उसकी खाल निकालनी चाहिए। लेकिन अब इसका क्या करें? क्या इसे वापस बाहर निकाल कर नहला धुला कर फिर से नए कफन में दफन करना पड़ेगा, या जैसे वैसे ही मिट्टी डालकर कब्र को बंद कर दिया जाए? मेरी राय में तो हमें इसको वापस निकालना चाहिए। हाँ। हाँ। और इसको नहला धुला करके जनाजे की नमाज पढ़ के पूरे कायदे के हिसाब से दफन करना चाहिए। हाँ। भाई खुदा के हुजूर में ऐसे नंगे इंसान को भेजना ठीक बात नहीं है। हाँ। नहीं, नहीं, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। अब ये जैसा है उसे ऐसे ही दफना दे, उस खुदा पर छोड़े कि किसका क्या करना है। मामला वही खत्म हुआ और कब्र को दोबारा ढक दिया गया। इस हंगामे में रात बीत गई। इसका ख्याल मुर्गे की बांध से आया। लोग बाग एक दूसरे को बद्दुआ देते, लानत मलामत भेजे कि जिसने भी ऐसा किया उसे दोजख की आग नसीब हो। ये बद्दुआ देते हुए अपने अपने घर को लौट गए। पूरा दिन कस्बे में यही चर्चा चलती रही। डर के मारे जर्द चेहरे लिए हुए लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देखते और पढ़ने की कोशिश करते कि कहीं यही तो नहीं है वो कफन चोर। धीरे धीरे ये घटना लोगों की आपसी लड़ाई, खींच और मारपीट में तब्दील हो गई। लोग जिस किसी पर शक करते वो आपा खो देता। मेरी तरफ क्या देख रहा है बे? क्या पूछ रहे हो? अरे कोई बाहर का आदमी भी हो सकता है। बाहर वाले की हिम्मत नहीं आने की। ऐसा कैसे कह सकते हो? सबने मुखौटा पहन रखा है, पहचानोगे कैसे? बताओ तो। हाँ ठीक बात है। अरे कोई दुश्मन भी तो हो सकता है। बिल्कुल ठीक। बकवास, तुम सब बकवास कर रहे हो। मुझे इन बेकार की बातों में नहीं पड़ना। मुझे अपने रिश्ते किसी से खराब नहीं करने। मैं चला। अबे बाबा, अरे बाबा, अरे चलो ना, अरे चलो, हम है ना।
अरे भगा दे। अरे चलो तो सही। अरे मालिक मालिक, ये माधव की घरवाली रात भाग चल गई, रात भर ताकती रही मालिक, रात भर दबा दबा तो सब किया बुलावा, मुझा दगा नहीं गई मालिक। घर में रोटी देने वाला कोई नहीं रहा, अब उसकी मिट्टी कौन पार लगाएगा? हमारे पास जो कुछ भी था उसकी दवा दारू में चला गया, अब आपके सिवा हमारा इस दुनिया में है ही कौन माले? तुम दया कर दो तो कफन कफन दे दो। भगवान भला करे, कब्रिस्तान से। आज भी है? हाँ और क्या, दो चार कब्रें थी लुट गई सारी। अरे चलेगा बड़ा।
ये साला हर बार कंपनी क्यों चुराता है बे? तेरे बाप की शादी में टेंट लगाने के लिए। अबे हमको क्या पता भाई कफन क्यों चुराता है? अबे इसी डर से तो मारे नहीं रहे हैं। गाओ तो ख्वाहिश पूरी। चलो लग देखो ही। वो कफन का करता क्या था है? अरे दूसरे मोहल्ले में बेचता होगा। तो बड़ा माला माल हो गया होगा है नहीं? अबे कहीं रंगरेज के पास तो नहीं देता? आजकल इसका अब्बा भी नए नए कपड़े पहन रहा है। मेरे अब्बा में बड़ी नजर है तेरी, अपने अब्बा को देखा है? तुम अपने अब्बा को देखो, तुम अपने अब्बा को देखो, हम सब भी अपने अपने अब्बा को देखें। रेगिस्तान में मेरा आखिरी दिन, रेत में मेरा आखिरी दिन, उम्मीद है मुड़कर फिर ना आना पड़ेगा इस पंचर बदनसीब धरती पर। कई तपते हुए दिन बीते और बीती, कई चांदनी भरी रातें, मैं नहीं लड़ाई अब और नहीं लड़ना चाहता। मेरा दिल मेरा दिमाग अब और नहीं झेल पाएगा। कई शहर जीते, कई शहर खोए, कितनी जानों की कीमत पर। इस लड़ाई का अंत नहीं, दांव बहुत ऊंचे हैं। कुछ दोस्त पहले ही जा चुके, अब और कितनों को जाना होगा। उनके रोते आंसू अब थमेंगे नहीं, दफनाएंगे उन बच्चों को जो नींद में मारे गए। वो खोजते पनाह जहां कोई पनाह नहीं, न थमती खून की नदियां तपती राहों पर, अकीदा उग नहीं सकता मासूमों के कब्रिस्तानों में। नफरत ही ले लहाएगी अमन की नाउम्मीदी में, आंख के बदले आंख अंधा ही बनाएगी दुनिया को, और उस अंधेरे में बाकी बचेगा कौन? अचानक एक दिन कस्बे में कोहराम मच गया कि कफन चोर पकड़ा गया। ये बात 5,000 की बस्ती में कम सनसनीखेज ना थी। कफन चोर की पहचान गना बाबा के रूप में हुई, तब से लोग उसे शैतान गना के नाम से पहचानने लगे। सुरपुर में लोगों का उस दिन ऐसा रेला उमड़ा मानो कोई त्योहार हो, हर कोई शैतान की एक झलक पाने के लिए बेकरार था। उधर गना अपनी मौत से पहले यह लिखकर मरा कि उसे अपने किए का बेहद अफसोस है, उसे शर्म आती है कि उसने ऐसा किया, इसलिए उसकी मौत के बाद उसे बिना कफन के नंगा दफनाया जाए। अगर गना ये बात ना लिखता तो इसकी किसी को कानों कान खबर तक ना होती, गना को नंगा दफनाया जाए। यह बात लोगों ने नहीं मानी, उसे पूरे रस्मों रिवाज के साथ दफनाया गया। लेकिन अगले दिन जब लोग कब्रिस्तान पर गए तो उन्होंने देखा कि गना का मुर्दा जिस्म कब्र के बाहर पड़ा है, जिस पर कफन का टुकड़ा तक नहीं। ये बात पूरे कस्बे में जंगल में आग की तरह फैल गई। लोगों का हुजूम पास वाले कस्बे में इकट्ठा हो गया। लोगों ने सोचा कि फरिश्तों ने उसे उसके किए की सजा दी है और उसे कब्र से बाहर लाकर नंगा खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया है। लेकिन इस घटना से सुरपुर के नेक दिलों को जरा भी सुकून नहीं मिला। जैसे ही लोगों ने उसे उसी हाल में वापस दफनाने की बात कही, कहीं कोई है यहाँ, इस शैतान की नजर इस कब्रिस्तान पर पड़ी है, कहीं कोई किस शैतान की नजर
मेरी राय में हमें उसे पूरे कायदे के साथ दफनाना चाहिए। हाँ, नहीं वैसा क्यों ना किया जाए जैसा सलदीत के बेटे के साथ किया गया था। क्योंकि उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। अरे भाई, वो कब्र के बाहर इस तरह नंगा नहीं पड़ा था। इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। नतीजा ये हुआ कि गना को दोबारा नहला धुला कर कफन में लपेट कर दफनाया गया। जनाजे की पूरी रस्म को दोबारा अदा किया गया। लेकिन अगले दिन जब लोग एक बार फिर से कब्रिस्तान की ओर गए तो उन्होंने देखा कि गना का मुर्दा जिस्म कब्र के बाहर नंग धड़ंग पड़ा है। और इस बार आसपास की लाशें जिन्हें हाल ही में कब्रिस्तान में दफनाया गया था वो भी अपनी अपनी कब्रों के बाहर नंग धड़ंग पड़ी है। माधव, हाँ, जलाने के लिए लकड़ियां तो मिल ही जाएंगी। हाँ, कफन ले लेते हैं। हाँ? कफन? कफन? हाँ, कितना हुआ? 5 रुपया। 5 रुपया? हाँ माधव। हाँ, कफन सस्ता वाला ले कि बढ़िया वाला? जो चाहे ले लो। हाँ। लाश उठते उठते तो रात हो जाएगी, रात में कौन देखता है कफन? हाँ, रात में कौन देखता है कफन? और वैसे भी लाश के साथ तो जल ही जाता है और का रखा रह जाता है। यही रुपए पहले मिल जाते तो कुछ दवा दारू कर लेते। हाँ। का रिवाज है, जिसको जीते जी चिथड़े नसीब ना हुए उसे मरने के बाद नया कफन चाहिए। चलो कोई सस्ता मद्दा हल्का फुल्का कफन ले लेते हैं। आओ। शाहजी, एक बोतल हमको भी देना। माधव। हाँ, पकौड़ी कलेजी ले लो। माधव, कफन लेके का होता है? लाश के साथ जल जाता, कोई बहू के साथ तो चला नहीं जाता है? कैसा बुरा रिवाज है ना। पता नहीं लोग इन ब्राह्मणों को इतना पैसा क्यों देते हैं। अरे मरने के बाद कौन देखता है परलोक में मिला कि नहीं मिला।
अरे बेटा, ये बड़े लोगों के पास बहुत धन है, अब ये चाहे फूके हैं चाहे रखें हैं, हमारे पास फूकने को का है, कुछ नहीं। पर बाबा है? लोग पूछेंगे तो क्या कहेंगे, कफन कहाँ है? कफन कई देंगे, सारे रुपये धोती से सरक गए। बहुत ढूंढा पर मिले ही नहीं। लोग विश्वास तो नहीं करेंगे मगर फिर रुपया दे देंगे। बाबा भली औरत थी बेचारी, बेटा खूब खिला पिला कर मरी है। बेटा बेटा, हमारी आत्मा तो तृप्त हो गई तो उसको पुण्य तो जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। हाँ बेटा, भगवान तू अंतर्यामी है, उसको वैकुंठ ले जाना, हम हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। अरे ऐसा भोजन हमने जिंदगी में नहीं खाया। हाँ बेटा। पर बाबा बोलो, हमको भी तो एक दिन वैकुंठ जाना होगा। हाँ बेटा, जाना है वैकुंठ। तो वो पूछेगी नहीं कि उसका कफन कहाँ है? तो क्या कहेंगे? कह देंगे तुम्हारा सर। हाँ, पर वो पूछेगी जरूर। अरे बेटा, तू क्या समझता है उसको कफन नहीं मिलेगा है? तुम मुझको इतना गधा समझता है क्या है? अरे 60 साल कोई घास नहीं खोदी है, उसको कफन मिलेगा और बहुत बढ़िया वाला मिलेगा बेटा। वो मुझसे पूछेगी, बाबा मैंने उसकी मांग में सिंदूर डाला था। कौन देगा उसे कफन? सारे पैसे तो तूने चट कर दिए। अरे तू रोता क्यों है, मेरी बात मानता क्यों नहीं है? कौन देगा, तू बताता क्यों नहीं है? कौन देगा कफन? कौन देगा? ये देंगे कफन। हाँ यही देंगे कफन, लेकिन इस बार हमारे हाथ में रुपये नहीं आएंगे। हाँ तो परेशान ना हो बेटा, वो वैकुंठ में जाएगी, उसको बहुत अच्छा कफन मिलेगा। हाँ ले खा ले, जिसकी कमाई है वो तो मर गई, तू खा और उसको आशीर्वाद दे। देख रोए रोए से आशीर्वाद दे, बहुत काली कमाई के रुपये हैं। बाबा बोलो, वो वैकुंठ जाएगी ना? हाँ बेटा जाएगी, वैकुंठ की रानी भी बनेगी। बनेगी बेटा वो, तुम खाओ खाओ बेटा, वो वैकुंठ की रानी बनेगी। हाँ, उसने कभी किसी को सताया नहीं है, कभी किसी को दबाया नहीं है। वो वैकुंठ की रानी नहीं बनेगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग बनेंगे जो गरीबों का माल दोनों हाथ से बटोरते हैं, फिर अपने पाप धोने के लिए गंगा में नहाते हैं, फिर मंदिर में जल चढ़ाते हैं? बाबा उसने सारी उम्र दुख झेला, बड़ा दुख झेल कर मरी है बेचारी। अरे तू रोता क्यों है बे,
अरे वो बैकुंठ में जाएगी, वो सारे माया मोह के जाल से मुक्त हो गई, सब जंजाल से छुट्टी पा गई। हाँ बेटा, सब बंधन तोड़ दिए उसने, बैकुंठ में जाएगी वो बेटा। अग्नि तू क्यों नैना झमकावे, बैकुंठ जाएगी वो बेटा, बैकुंठ जाएगी, बैकुंठ की रानी बनेगी, झमकावे अग्नि झमकावे, बैकुंठ जाएगी झमकावे, बैकुंठ की रानी भी बनेगी। बैकुंठ जाएगी वो, रानी बनेगी वो, आज को बेइज्जत तो नहीं करता था। मुझे मुझे डर लग रहा है। नजर लग जाए किसी के। ये कैसा वक्त आया है? कौन अपना है, कौन पराया? कौन दुश्मन है, कौन दोस्त? समझ में नहीं आ रहा। ऐसे निकलने में डर लगता है। कौन सा गुनाह किया था हमने? कौन सा गुनाह किया था हमने? ये वक्त हमें कहां से कहां ले आया है? सक। अब तो अपनी परछाई से भी डर लगता है। अब तो दिन में भी अंधेरा दिखता है। हर जगह डर को बेबसी। अब
नहीं होता, अब तो जिंदा रहने से भी डर लगता है। अब इस शैतान को खोज निकालना मुश्किल है। हाँ ये ठीक है कि वो कफन चोर लाशों पर से कफन की चोरी करता था, पर उसने कभी किसी को नंगा तो नहीं किया। लेकिन ये शैतान तो जानवरों से भी बदतर है, जानवरों से भी बदतर। कहते हैं कि इसके बाद यहां के लोगों ने पहले शैतान के लिए दुआ मांगी कि उसे जन्नत नसीब हो, लेकिन इस शैतान के लिए उन्होंने खुदा से दुआ मांगी कि वो जहन्नुम की आग में जले, राख हो जाए। कहा जाता है कि यह सिलसिला इसके बाद नहीं चलता रहा। तुम्हारे मुल्क से मेरे मुल्क, मेरे से उसके, उसके से फिर किसी और, यूं ही चलता रहा। देखे हैं आंसू हारे हुए लोगों के, जिन्हें कोई आस्था नहीं। मैंने चखा है खून जख्मी फौजियों का, जिन्हें कोई आशा नहीं। मैंने सही है पीड़ा टूटी आत्माओं की, जिन्हें कोई छुटकारा नहीं। मैंने महसूस किया है खौफ घायल दिलों का, जिन्हें कोई बदलाव नहीं नसीब। मैंने आईने में रोती हुई लड़की को देखा है, जिसे कोई उम्मीद नहीं। तो बैठकर जार जार रोती रही मैं इस दुनिया की टूटी बिखरी हालत पर। मेरे आंसू मेरी मदद नहीं कर पाए और दर्द बन गया मेरे वजूद का बोझ, जो रिश्ता है मेरे अंदर ही अंदर जार जार। जीना क्या है भूल गए हम? अंधकार का श्राप था कि खुशी को भी देखें हम चकनाचूर शीशे के टुकड़ों की तरह। और जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो पाया एक बेरंग संसार, जिसे बचाने वाला कोई नहीं। कहीं कोई है यहां? किस शैतान की नजर पड़ी है इस जमीन पर?